हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। देवभूमि देवघर में 12 जुलाई को बड़ी घोषणाएं की, हजारों करोड़ों रुपयों की सौगात दी। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत झारखंड सरकार ने हर घर जल नल जल योजना की शुरुआत की, लेकिन दुमका पहुंचते ही इस योजना ने दम तोड़ दिया है और लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रही है। हाल ये है कि 1.5 से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों से गिरते पानी को छानकर या वहीं पर गड्ढों से महिलाएं और बच्चे पानी लाती है, कभी नालों से, कभी नदी से, कभी झरनों से, जिससे परिवार के सारे लोगों की प्यास बुझती है। लेकिन इस पानी की जुगाड़ में महिलाओं को हर दिन सुबह शाम 2 से 3 घंटे जद्दोजहद करने पड़ती है, तब जाके उसे पानी नसीब होता है। मामला दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के सुगा पहाड़ी पंचायत के अंतर्गत पहाड़ के ऊपर स्थित पहाड़िया और संथाल आदिवासी बाहुल्य आमगाछी पहाड़ गांव में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। इस गांव में 5 से अधिक टोला है जो दूर दूर स्थित। इस गांव में करीब 80 घर है। देश आज़ादी का 75 और झारखंड राज्य का 22 वर्ष होने के बाद भी इस गाँव में बिजली, पानी और सड़क का मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिजली आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सुगापाली पंचायत में दुमका के विधायक श्री बसंत सोरेन को ग्रामीणों ने दिसंबर 2021 को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन 6 महीना गुजरने के बाद जब बिजली नहीं आई तो यह खबर हाल ही में मीडिया में प्रमुखता से छपने के बाद बिजली विभाग ने सिर्फ नोतुंडी पहाड़िया टोला में ट्रांसफार्मर लगाया गया और अन्य टोलों को छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीण काफ़ी नाराज और आक्रोशित है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस गांव में पीने का पानी के लिए एक भी चापाकल नहीं है। ग्रामीण डोभा, झरना, जर्जर कुआं का प्रदूषित पानी पीने के लिए विवश है, जिसके कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पानी लाने में बहुत दिक्कत का सामना पड़ता है। पथरीला रास्ता, ऊपर नीचे चढ़ाव, भरे रास्ते होकर ग्रामीण पानी लाने के लिए विवश है और गिरने व दुर्घटना का भी डर बना रहता है। ग्रामीणों ने सरकार से पानी का समस्या का समाधान के लिए डीप बोरिंग की मांग किया है। आमगाछी पहाड़ गांव से मुख्य मार्ग रांगा मोड़ की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, जो पथरीला और कच्ची है। आमगाछी पहाड़ गांव जो पहाड़ में स्थित है, जो करीब 2.5 किलोमीटर है, जिसमें कई पुलियां भी स्थित है, जिसमें कुछ पुलियां जर्जर हो गई है। बाकी 2.5 किलोमीटर पहाड़ के नीचे से रांगा गांव को और हर को होकर मुख्य मार्ग रांगा मोड़ पहुंचता है, जो पथरीला और कच्ची है। आमगाछी पहाड़ के ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिला बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र में जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस व गाड़ी के लिए 5 किलोमीटर तक खटिया पर या पैदल चलकर रांगा मोड़ जाना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि PDS राशन दुकान से राशन लेने के लिए पहाड़ से नीचे जाना पड़ता है। सड़क मार्ग नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा लेने से भी ग्रामीण वंचित हो रहे हैं। सड़क नीचे नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है, करीब 9 महीने पूर्व सड़क की मांग को लेकर दुमका उपायुक्त कार्यालय में लिखित आवेदन जमा किए थे। आवेदन जमा करने पर विभाग के लोग 2 बार गांव जरूर आए थे, लेकिन फिर भी सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का यह भी कहना है, सड़क निर्माण के लिए 1 वर्ष पूर्व मसलिया JMM प्रखंड अध्यक्ष से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं को लेकर ट्विटर के माध्यम से 5 अक्टूबर 2020 को भी ट्वीट किया गया। मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण काफ़ी नाराज और आक्रोशित है। ग्रामीणों का कहना है कि हम गरीबों का कोई नहीं सुनता। हम गरीब ग्रामीण हर चुनाव में वोट देते आए हैं, लेकिन हमारे मूलभूत समस्याओं का कोई समाधान नहीं करता है। चुनाव के समय सभी उम्मीदवार यह कहकर वोट ले लेते हैं, हमें जिताइए सब समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि
अपना ना वादा पूरा करता है ना ही हमें देखने के लिए आते हैं। और आगामी चुनाव में इन्हों ग्रामीणों ने कहा है यदि उनकी इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं होता है तो वे लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन भी करते रहेंगे। देखिए आगे ग्रामीण क्या कहते हैं। अच्छा, आपके गांव में पीने का पानी का क्या समस्या है? हम लोग का गांव में सर पानी का पीने का बहुत दिक्कत है सर। चापाकल कहीं नहीं है गांव में, एक भी चापाकल नहीं है। नहीं है सर, हम लोग डोभा डाली का पानी पीते हैं और आने जाने का रास्ता भी बहुत झाड़ी जंगल है और पत्थर भी है, जाने आने का बहुत दिक्कत होता है और कहीं गिरने का डर बना रहता है। हाँ सर, चापाकल नहीं है और कोई भी बोरिंग हम लोग का गांव में नहीं है, चापाकल उपाकल कोई कुछ नहीं है। और मेरा नाम सोनिया पुजारनी है, हम लोग सुगापाड़ी पंचायत के है, प्रखंड मसलिया से है। क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हम लोग का पानी मांग है सर, हम लोग का पानी चाहिए। पानी का क्या समस्या है आपके? हम लोग का पानी का यही कुआ का पानी पीते हैं सर। हम लोग का पानी का ही हम लोग का तकलीफ है, पानी का बहुत समस्या है, खराब है, गंदा भी पानी पीते हैं हम लोग का। कोई पानी का कोई क्या है कि गांव में आपका कोई चापाकल या सोलर टंकी नहीं है? नहीं है सर, हम एक भी नहीं है। नहीं है तो कुछ नहीं है सर। देखिए पानी का हम लोग कितना तकलीफ है, गंदा भी पानी पीते हैं और हम लोग का पानी पीने के देखिए पानी के लाने के लिए जाते हैं, अभी देखिए हम लोग को भी डर लगता है, पाथल भी है। देखिए पानी के उठाने के आदमी कितना तकलीफ है, हम लोग का पानी यही पानी हम लोग पीते हैं बहुत। हम लोग पानी के सूख भी जाते हैं, कोई क्या हम मजदूरी में क्या करेंगे, यही पानी हम लोग पीते हैं सर। क्या मांग है? हम लोग को पानी का मांग है। देखिए हम लोग इसलिए इतना पानी का खराब है, गंदा भी पानी हम लोग पीते हैं और कहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, चापाकल की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, मजदूरी में पीते हैं पानी। क्या मांग है सरकार से? हम लोग डीप बोरिंग चाहिए सरकार प्रशासन से, हम लोग को पानी का डीप बोरिंग चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नीरज पुजार। कौन गांव? अमगाछी पहाड़ लतुंडी टोला। अच्छा, आपके गांव में क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं? हम लोग के गांव में आमगाछी पहाड़ में सर बहुत ही मूलभूत समस्या है, जैसे बिजली का समस्या है, सड़क का समस्या है, पानी का समस्या है। तो एक साल पूर्व जो बिजली के लिए आवेदन दिए थे वसंत सोरेन को यहाँ सुगापाड़ी पंचायत में जनता दरबार में, तो एक तो बिजली के बारे में दिए थे, तो एक साल देने के बाद तो बिजली तो ट्रांसफॉर्मर तो लगा दिया है नूतन डी पहाड़िया टोला में, और खाली लगा दिया है, ट्रांसफॉर्मर चालू कर दिया है, लेकिन इसके बाद और भी टोला है, खेराडी है, नूतन डी संताल टोला है, सिलीगुना है, वो सब टोला में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। और भी समस्या है, जैसे सड़क का बहुत ही समस्या है, जैसे हम लोग आने जाने का बहुत दिक्कत होती है। इसके बाद मैं डिलीवरी पेशेंट जो वहाँ अस्पताल तक ले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, यहाँ से हम लोग खटिया में टांग के वहाँ रंगा पहुँचाते हैं मेन सड़क में, वहाँ से एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। इसके बाद राशन पानी उठाने में ले आने में बहुत ही दिक्कत होती है, इसके लिए हम लोग आवेदन दिए थे डीसी को भी 2021 में एक साल पूर्व, उसके बाद भी हम लोग का सड़क नहीं हुआ। इसके बाद चापाकल का भी यहाँ नहीं है, चापाकल नहीं होने के कारण हम लोग का बहुत ही बीमारी पड़ता है, बहुत तरह का बीमारी हम लोग का पानी पीने से, डुभा का पानी पीते हैं तो हम लोग का बहुत ही पानी का मतलब बीमारी होता है तरह तरह का। इसके लिए हम लोग को जल्द ही जल्द चापाकल बिजली और सड़क होना चाहिए, रोड भी होना चाहिए, और जो विधायक है वो लोग भी जो विधायक को वोट लेने के टाइम आता है उस टाइम बोलता है कि हाँ हम लोग को वोट दीजिए तो हम लोग सब कर देंगे, चापाकल गड़वा देंगे, इसका बिजली पहुंचा देंगे, रोड बनवा देंगे, सब जीतने के बाद अभी हम लोग को ना दिखता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं। इसके लिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि अगर आगामी दिन तक हम लोग का मूलभूत समस्या का संविधान समाधान नहीं हुआ तो हम लोग मतलब हम लोग वोट का बहिष्कार भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे।
मेरा नाम राजेश सम्रम है, ग्राम आमगाची पहाड़, पंचायत सुगा पहाड़ी। आपके गांव में सड़क की क्या समस्या है? आज तक हम लोग देखिए आमगाची पहाड़ में कैसा हम असुविधा है, आज चलो हम लोग को देखिए असुविधा है। हम लोग को देखिए रात अंधेरा आने जाने के, सरकार तो बहुत आता है बहुत जाता है। आज के हम लोग को देखिए हम लोग इतना हम लोग को बीमार के होने बाद पेशेंट के जाने के बाद हम लोग के कितना असुविधा होता है, लेकिन हम लोग कांध में खटिया पर चढ़ा ले जाते हैं। हम लोग रोड का कोई ई नहीं है, हम लोग कांध में ले जाते हैं। आदमी का कितना गरीब का असुविधा होता है, इसलिए सरकार को हम मानते हैं लेकिन सरकार को हम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन सरकार के हम लोग द्वार में आवेदन देते हैं, सरकार डीसी को भी दिए गए हैं और 2000 को कोई नेताजी आदमी आता है, लेकिन हम लोग नेताजी हम बता रहे ये देखिए आप लोग ग्रामीण आदमी और आमगाछी पहाड़ का समझ आदमी आप लोग देखिए हम लोग वोट में जिता दीजिए कोई कोई आदमी, लेकिन आप लोग हर चीज़ बना देंगे। हम लोग जिताने के रोड बना देंगे, आने जाने का आप सुविधा बना देंगे, हर चीज़ का हम लोग हर चीज़ बना देंगे। आज तक हम सरकार ग्रामीण आदमी कितना परेशान, आज के गरीब ग्रामीण आदमी का कितना असुविधा, लेकिन पेशेंट हो जाएगा कोई बीमार हो जाएगा लेकिन खटिया पर कांध में हम लोग चढ़ा के रंगा से तब हम लोग गाड़ी गाड़ी से चढ़ा के था हम लोग के 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर से कितना हम लोग का आवेदन लेना है, फिर में आमगाछी पहाड़ से कितना 5 किलोमीटर नीचे उतारने पड़ता है। आज सरकार को वोट देने के लिए कितना नेताजी आता है, आज तो हम लोग को कुछ देखने का सरकार नहीं आता है। वोट जीतने के बाद हर चीज़ बना देंगे और गरीब का कितना आएगा और जाएगा, इसलिए रोड में देखिए हम लोग कितना कष्ट है, ग्रामीण आदमी कैसे आने का जाने कितना कष्ट है। हम लोग आवेदन कैसे सरकार को दिया गया है लेकिन सरकार हम लोग को मदद नहीं है, इसलिए सरकार आएगा जाएगा लेकिन वोट लेने के लिए बोले हर चीज़ बना देंगे, आमगाछी पहाड़ हर चीज़ बना देंगे, एकदम पूरा पूरा कर देंगे, रोड पक्का बना देंगे। आज तो पक्का नहीं है, का देखिए कच्चा रोड ही है, कच्चा रोड के आदमी चलने का रास्ता नहीं है, गाड़ी साइकिल चलने का पैदल चलने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए हम लोग का गरीब कैसे बचेगा, आमगाछी पहाड़ वाला कोई गुरुगी कैसे बचेगा, आम कांध से उतराएंगे तब ना हम लोग बचेंगे। तो सरकार बोलेगा आगे वोट में आएंगे तो वोट कैसे देंगे, वोट हम लोग नहीं देंगे, एक साल से आवेदन करेंगे, एक साल के हम लोग बंद करवा देंगे, लेकिन सरकार अगर मदद कीजिएगा तो डीसी से आवेदन दिया है 2021 में 2022 हो गया, अब हम लोग वोट नहीं देंगे। अब आवेदन देते हैं आमगाछी पहाड़ वाला नीरज पुजर मेरा है, आमगाछी पहाड़ मुसलिया प्रखंड सुगा पहाड़ी पंचायत।